हे गाइस, वेलकम टू इन्फोटेक प्लस एंड वेलकम अगेन टू अ न्यू टेक वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेडमी नोट 3 की सबसे बेस्ट रोम के बारे में। बिल्कुल गाइस, आपने सही सुना, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। क्योंकि जब से हम MIUI 10 के बहुत सारे जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं जो यूज़ कर रहे हैं, उनमें बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम सबसे फास्ट है और बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन होती है और बहुत सारे हीटिंग के इशू भी आ रहे हैं और चार्जिंग, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जब से MIUI 10 के बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, चाहे वो MIUI 10.2 का हो या 3 का हो या कोई सा भी अपडेट हो, जिसमें Redmi Note 3 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे सबसे बेस्ट रोम जिसमें काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा और आपका डिवाइस भी काफ़ी अच्छे से स्मूथली चलेगा, तो वो कौन सी रोम है। क्योंकि इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि कोई अच्छी रोम बताइए, उसको हम कैसे फ्लैश करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो देखते रहिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस, देखते हैं सबसे बेस्ट रोम कौन सी है Redmi Note 3 डिवाइस के लिए। तो फाइनली मैं अगर बात करूं सबसे बेस्ट रोम की, तो वो है 9.5.3.0। ये सबसे बेस्ट रोम है Redmi Note 3 की, जो MIUI 10 जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उससे पहले ही आप यूज़ कर चुके होंगे। अगर आपने अगर डिवाइस न्यू ख़रीदा होगा तो आपको वो रोम मिली होगी, क्योंकि ये डिवाइस काफ़ी ओल्ड हो चुका है। तो जो सबसे पहले हम रोम यूज़ कर रहे थे वो थी 9.5.3.0 MIUI 9 की, और उसमें बैटरी बैकअप और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर थी। बट यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड वगैरह आपको नहीं मिलता था उस टाइम में, स्प्लिट स्क्रीन नहीं मिलती थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, बट बैटरी बैकअप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेटर था, क्योंकि जब हमने डिवाइस ख़रीदा तो ये हमें रोम वहाँ पर ही इनबिल्ड मिली थी, यानी इंस्टॉल्ड मिली थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अपडेट आए जिसमें ये रोम के बारे में सारी चीज़ें, मतलब अपडेट होता गया और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती गई, और यहाँ पर बैटरी बैकअप की प्रॉब्लम और बहुत सारे बग्स वगैरह, क्योंकि ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ बग्स नहीं होते हैं, हर अपडेट में बहुत सारे बग्स होते हैं, तो वो फिक्स किए जाते हैं और जो भी डेवलपर्स के थ्रू जो भी नेक्स्ट अपडेट आते रहते हैं उनमें फ़िक्स किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बग्स हैं और यहाँ पर Redmi Note 3 के जो भी ऑप्शंस हैं वो क्लोज़ कर दिए गए हैं यहाँ पर, यानी कि कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, और यहाँ पर हमें जो बग्स हैं वही वाली रोम हमें देखने को अपने डिवाइस में मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा डिवाइस जो है ना हीटअप होता है और बहुत ज़्यादा बैटरी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ फ्रेंड्स का ये भी कहना है, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, कि उनकी बैटरी 30-40% भी होती है वो बिल्कुल माइनस चली जाती है, तुरंत मतलब डाउन हो जाती है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो फाइनली 9.5.3.0 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कैसे डाउनलोड करेंगे और क्या प्रोसेस रहेगा। तो मैंने रोम के बारे में बता दिया, इसको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे फ्लैश करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो फाइनली क्रोम ब्राउजर में चले जाइए, गूगल में जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है आपको, फाइनली वन टच एक्सेस पे ये डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहां लोकेट करके दिखा देता हूं। और यहां पे हम टाइप करेंगे, देख सकते हैं ये मैंने पहले ऑलरेडी टाइप कर रखा है, MIUI 9.5.3.04 Redmi Note 3। तो सबसे पहला जो लिंक ऊपर आ जाएगा इसको, ये आपका ये ऑफिशियल साइट है MIUI की, तो देख सकते हैं Xiaomi की ऑफिशियल साइट है, इस पर अगर क्लिक करेंगे, ये बीटा वर्जन नहीं है, ये ग्लोबल है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करेंगे और कौन सी डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर भी आपको दो रोम मिलने वाली हैं, तो फाइनली आप इसको देख लें कौन सी डाउनलोड करना है और क्या प्रोसेस रहेगा। तो देख सकते हैं ये ग्लोबल वर्जन है और इसको आप फाइनली बहुत ईजीएस्ट वे में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये रिकवरी रोम है, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, लेकिन ये फ्लैश नहीं होगी गाइस। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये काफ़ी ओल्डेस्ट वर्जन हो चुका है। अगर आप इसको फ्लैश करना चाहेंगे यहाँ से डाउनलोड करने के बाद रिकवरी रोम को, तो यहाँ पर अपडेट कांट वेरीफाई ऐसा कोई ऑप्शन जो है वहाँ पर इनेबल कर देता है, यानी कि एक पॉपअप आता है वहाँ पर, तो ये अपडेट नहीं करेगा, यानी कि इसको फ्लैश नहीं करेगा, क्योंकि ये ओल्डेस्ट वर्जन हो चुका है और जो इसका MIUI का इंस्टॉलर है जो फ़ोन के थ्रू इंस्टॉल करते हैं वो डायरेक्टली लेटेस्ट से लेटेस्ट एडवांस जो रोम होती है उसको ही फ्लैश करता है, ओल्डेस्ट रोम को फ्लैश नहीं करता है। तो इसके लिए सिर्फ बच्चा कुछ है, एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है फास्ट बूट मेथड। लेकिन फास्ट बूट मेथड जो है वो काफ़ी टफ है, सबके लिए इजी नहीं है, जिसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है फाइनली। तो देख सकते हैं इसका ये साइज़ रहेगा, इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है, चाहे फ़ोन से करें चाहे PC से, लेकिन फ़ोन से डाउनलोड करने के बाद भी ये PC से ही इंस्टॉल होगी। PC से आप कोई भी रोम, फाइनली मैं अगर इसकी बात करता हूँ, देख सकते हैं 9.5.3.0 की बात कर रहा हूँ, अगर आप इससे ऊपर या इससे कोई नीचे भी रोम 4.3 वाली ऐसे कोई भी डाउनलोड करके अगर अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं।
क्योंकि फास्ट बूट एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी रोम को, कोई भी रोम, एनी थिंग, एज डेवलपर हो, बीटा हो, स्टेबल हो, न्यू हो, ओल्ड हो, सारी रोम को ही फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा सा टफ है, जिसके लिए आपको बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेंगे। देख सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे है। इसके लिए एमआई फ्लैश टूल चाहिए, अनलॉक बूट लोडर अनलॉकिंग चाहिए, और उसके बाद ये आपको एक रोम जो है ना डाउनलोड करना होगा। अगर गाइज आप चाहें तो WTRP के थ्रू भी इसको फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंस है। उसका वीडियो मैं अलग से एक अपलोड कर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन फाइनली हम फास्ट बूट मेथड की बात कर रहे हैं, तो हम फास्ट बूट की ही बात करते हैं। तो फाइनली फास्ट बूट को फ्लैश करने के लिए आपको एक PC चाहिए, और उसके बाद एमआई फ्लैश टूल चाहिए, एक आपको रोम चाहिए जो आप इसमें फ्लैश करना चाहते हैं फास्ट बूट। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को फास्ट बूट जो है मेथड में ले जाना पड़ेगा, यानी कि फास्ट बूट मोड में ले जाना पड़ेगा। उसके साथ ही आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस थोड़ा टफ है, सबके लिए इजी नहीं है। देख सकते हैं इसका कुछ पिक्स वगैरह हैं, देख सकते हैं ये, तो यहाँ पर ये लोकेट वगैरह करना पड़ता है। उसके बाद जब ये लोकेट हो जाएगा, उसके बाद इसको इनेबल करना पड़ता है, ये जिप फाइल होती है, इसको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है, और उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर्स को भी करना पड़ता है इंस्टॉल अपने PC में। उसके बाद डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फास्ट बूट मेथड में ले जाने के बाद ही इसको फ्लैश कर सकते हैं। इसका इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा टफ पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि जो फ्लैश नहीं कर पाते हैं या जिन दो फ्रेंड्स को अभी नहीं पता इसके बारे में, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट जो जानते हैं तो वो बहुत ही इजीली इसको कर सकते हैं। अगर गाइस आप चाहते हैं कि उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दूँ, फ्लैश करके दिखाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा कि मैं फ्लैश करके इसको दिखा दूँ अपने डिवाइस में, तो उसके साथ फिर मैं इसको देखता हूँ, उस पर एक वीडियो मैं बना दूँगा। तो गाइज इसका यही कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू ही आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है WTRP या फिर आप फास्ट बूट मेथड यानी कि इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके थ्रू अगर आप कोई भी रोम चाहें, कोई भी ओल्ड न्यू पुरानी नई जो भी आप चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये PC से होगा। आप अपने फ़ोन से, अगर जैसे कि मैं बता देता हूँ फ़ोन से कैसे होती थी, तो फाइनली हम सेटिंग में जैसे जाते थे, उसके साथ ही यहाँ पर अबाउट फ़ोन में चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर सिस्टम अपडेट में, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट मिल जाता था, जैसे इस पे क्लिक करते थे तो यहाँ पर आपको चूज़ अपडेट पैकेज का मिल जाता था। उसके बाद हम अपनी रोम को लोकेट कर लेते थे, उसके बाद यहाँ से फ्लैश कर सकते थे। लेकिन फास्ट बूट वाली जो रोम है वो यहाँ से फ्लैश नहीं होगी, कांट वेरीफाई कर देगा, तो उसको आपको अपने PC से ही करना पड़ेगा। इसका यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि कौन सी बेस्ट रोम है और उसको हम कैसे फ्लैश करें, क्योंकि ओल्ड में अगर वो MIUI 10 से 9 में जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप नहीं जा सकते, उसके लिए आपको PC का सहारा लेना पड़ेगा, PC से ही फ्लैश कर सकते हैं MIUI फ्लैश टूल से, उसके अलावा आप कैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक वीडियो बना कर दूँ आपको पूरा कैसे फ्लैश करते हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको टाइप करें, तो फिर मैं इस पर एक वीडियो बना के आपको पूरा दे दूंगा कैसे फ्लैश करते हैं। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।